नमस्कार किसान भैया, आज हम कंपेयर करेंगे दो ट्रैक्टरों का, जॉन डियर 5305 वर्सेस सोनाली का 50RX सिकंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ट्रैक्टरों के इंजन की। तो सोनाली का में आता है 3067 cc का इंजन 3 सिलेंडर के साथ, और 52 HP कैटेगरी में इंजन आता है ये, और अपनी पूरी पावर 2100 rated RPM पर प्रोड्यूस करता है। और इसमें ITL कंपनी का इंजन दिया गया है जो नॉन टर्बो के साथ आता है। तो यही बात करें जॉन डियर की, तो जॉन डियर में 2931 cc का टर्बो चार्ज इंजन आता है 3 सिलेंडर वाला, जो अपनी पूरी ताकत 2400 rated RPM पर प्रोड्यूस करता है। और इसमें जॉन डियर का 3029T नाम का अपना खुद का इंजन दिया गया है। तो इससे हमें साफ दिखाई देता है कि सोनालिका का 3067 cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन खुद के दम पर 52 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। वही जॉन डियर 5305 2931 cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन है जो टर्बो के दम पर 55 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। तो दोनों ट्रैक्टर में देखा जाए तो सोनाली का बेहतर है। वैसे तो जॉन डियर का बड़ा 55 HP का इंजन है, लेकिन सोनालिका का इंजन बड़ा और लो RPM विदाउट टर्बो है, और वो ज़्यादा रिलायबल है ट्रैक्टर के लिए। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो जॉन डियर का गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू सोनाली का। तो अब बात की जाए गियर बॉक्स की, तो जॉन डियर 5305 में 12 गियर मिलते हैं, 8 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स, और वहीं सोनाली का 50RX सिकंदर में 10 गियर मिलते हैं, 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स। मतलब जॉन डियर 5305 का गियर बॉक्स ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सोनाली का 50RX सिकंदर। तो अब बात करते हैं PTO की, तो जॉन डियर 5305 में 46.2 की PTO HP दी गई है, और सोनाली का DI50RX सिकंदर में 46 HP की PTO मिलती है, और दोनों ही ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट PTO क्लच भी दिया गया है, और इसी के साथ रिवर्स और फॉरवर्ड PTO का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इसमें हम विनर मानेंगे जॉन डियर को, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट ज़्यादा HP दी गई है एज़ कम्पेयर टू सोनाली का 50RX। तो अब बात की जाए हाइड्रोलिक्स की, तो सोनाली का 50RX सिकंदर में 1800 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है, वही जॉन डियर 5305 में 1600 किलोग्राम की कैपेसिटी दी गई है, और दोनों ही ट्रैक्टर में ADDC टाइप का हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगाया गया है, और वहीं ऑक्सिलरी वाल्व का ऑप्शन भी मिल जाता है। हाइड्रोलिक के मामले में हम विनर मानेंगे सोनालिका को, क्योंकि इसमें 200 किलोग्राम का ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी होने के कारण जॉन डियर 5305 की तुलना में यह ज़्यादा वेस्ट काम करेगा। तो बात करते हैं अब ब्रेक की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में ऑयल एमर डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, इसी कारण से दोनों ही ट्रैक्टर में हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर में ऑयल एमर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। तो बात कर ली जाए प्राइस की, तो दोनों ही ट्रैक्टर की प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जॉन डियर 5305 में 7.5 से लेकर 8 लाख तक पड़ता है, वहीं सोनाली का 50RX सिकंदर 6.5 लाख से 7 लाख तक पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यदि मेरी दी गई जानकारी आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।